हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक DIY। ये DIY बहुत इजी है और बहुत भी जल्दी भी बन जाता है। इस DIY को बना के आप इसे अपने गार्डन में प्लेस कर सकते हैं या फिर अपने घर में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। ये DIY एक सुंदर डेकोरेटिव पीस है, इसे आप कहीं पे भी प्लेस करिए, उसकी खूबसूरती को बढ़ा देगा। तो बहुत आसान और बहुत जल्दी ये DIY बन जाता है। तो आज मैं आपके साथ यही DIY शेयर करने वाली हूँ। इस DIY को मैं अपने गार्डन में प्लेस करूँगी और हम गार्डन में कुछ DIY करके या कुछ डेकोरेटिव आइटम से गार्डन को डेकोरेट करते हैं तो गार्डन ऐसे ही बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो मैं अक्सर कुछ DIY करके अपने गार्डन को डेकोरेट करती रहती हूँ। तो आज भी मैंने इसी तरह से एक DIY किया है और ये DIY मैं अपने गार्डन में प्लेस करूँगी और इसी DIY को मैं आज आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने इसे कैसे बनाया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्ले, 2 थर्मोकोल का बॉल, एक्रेलिक कलर और ब्रश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम लेंगे क्ले। क्ले को अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद ये थर्मोकोल का जो बॉल है इस पे इसका लेयर चढ़ा लेंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. कवर कर लिया। अब इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद इसमें हम इस तरह से बॉल जैसा बना के इसमें हम इसके पैर बनाएंगे। Through the highways, till my shadow turns.
chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. कुछ इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। इसी तरह से मैं इसमें भी सेम इसी डिज़ाइन का इसमें भी मैं बनाऊंगी, और बनाने के बाद इसे मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। तो ड्राई अच्छे से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो पहले मैं इसमें इसी तरह का बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों बन के तैयार हो गया है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसे मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी, और ड्राई होने के बाद मैं इसका आगे का प्रोसेस करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से सूख गया है। अब सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसमें मैं वाइट कलर करूंगी। वाइट कलर करने के लिए मैं एक्रेलिक कलर ले रही हूँ। व्हाइट कलर कर लिया। व्हाइट कलर को करने के बाद इसे मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब इसमें मैं ब्लैक कलर का पैचेस बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। Till I get up, time is barely on our side. तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसमें पैचेस बना लिया है। इसी तरह से मैं इसमें भी बनाऊंगी। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on
देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसे मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये कैसा दिख रहा है। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये दोनों का कलर मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये कंप्लीट गाय की तरह दिखने लगा है। दो सुंदर से काऊ मैंने बनाया है और इसे अब मैं अपने गार्डन में सजाऊंगी। गार्डन में प्लेस करके गार्डन के लुक को थोड़ा सुंदर करूंगी। तो अब मैं आपको अपने गार्डन में इसे प्लेस करके दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने अपने गार्डन में प्लेस कर दिया और प्लेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। एक खूबसूरत सा DIY जो हमारे गार्डन को खूबसूरत बना सकता है। मैंने और भी काफ़ी सारे DIY बनाए हैं, जैसे कि देखिए इन सब को मैंने बनाया और इन्हें भी मैंने अपने गार्डन में डेकोरेट किया। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इनका वीडियो मेरे चैनल में है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने इसे बनाया और अपने गार्डन में डेकोरेट किया और गार्डन को सजाया। तो गार्डन को कुछ भी DIY करके या कोई डेकोरेटिव पीस से सजा के हम अपने गार्डन को काफ़ी खूबसूरत बना लेते हैं। तो इसी तरह से मैं करती हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो आप भी इसी तरह से अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। तो यही था आज का मेरा वीडियो। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो मिलते हैं अब अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके देन, बाय।